हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधुसनी मैक्रम बर्ड में। फ्रेंड्स, आज हम मैक्रम से बहुत ही ब्यूटीफुल टॉवल हैंगर बना रहे हैं और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। टॉवल हैंगर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर की कॉर्ड ली हैं और रेड कलर की कॉर्ड ली हैं। ब्लू कलर की कॉर्ड हमने 12 ली हैं और रेड कलर की कॉर्ड हमने 2 ली हैं। और इसी के साथ हमने बीट्स लिए हैं, बेल ली हैं, रिंग लिया है, लाइटर लिया है और कैंची ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉर्ड को ही हमने डबल कर लिया है और इसको हम रिंग के अंदर डालेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ऊपर की साइड से अंदर को हमने ये कॉर्ड डाली है और रिंग में अटैच किया है। और यहाँ पर हमने ये एक कॉर्ड 1.5 मीटर की ली है, 1.5 मीटर की हमने यहाँ पर ये कॉर्ड ली है। और जो रेड कॉर्ड है वो 1 मीटर की एक कॉर्ड है। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉर्ड्स को अटैच कर लिया है और अब इन कॉर्ड्स में हम यहाँ पर सिंपल नोट लगाएंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर ये सिंपल नोट लगा लेते हैं। यहाँ पर हमको एक ही सिंपल नोट लगानी है, तो यहाँ पर हमने ये नोट लगा ली है। और देखिए अब हमने फिर से एक और कॉर्ड ली है और ये देखिए इस तरीके से जो साइड वाली कॉर्ड है उसमें हमको इसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कॉर्ड को अटैच कर लिया है, अच्छे से टाइट कर लेंगे। और फिर से हम इसको एक एक बार और रैप करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हम एक एक बार और रैप करेंगे और ऊपर की साइड इसको फिक्स कर देंगे। और फिर से एक कॉर्ड लेंगे और इसको हम देखिए इस तरीके से दूसरी साइड जो हमारी साइड वाली कॉर्ड है उसमें फ़िक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अटैच कर देंगे और फिर से हम एक एक बार दोनों को साइड से कॉर्ड के ऊपर इसको रैप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉर्ड के ऊपर इसको रैप कर दिया है और ऊपर की साइड को इसको खिसका देंगे। और अब जो हमारी सेंटर वाली कॉर्ड है उस कॉर्ड पर हम बाकी की बची हुई कॉर्ड से ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए बाकी जो हमारी 2 कॉर्ड्स बची हैं उनसे हम यहाँ पर ये पाइपिंग करेंगे और सेम ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये देखिए बाकी की 2 बची हुई कॉर्ड से हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर देंगे। और अब फिर से देखिए जो हमारी सेंटर वाली कॉर्ड है उसमें हम एक बीट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने रेड कलर के बीट्स लिए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको डाल दिया है और अब देखिए हमको यहाँ पर फिर से पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी अंदर वाली पाइपिंग है उस पर हम पहले यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। देखिए अंदर जो हमारा बीट्स वाली कॉर्ड है और एक कॉर्ड एक्स्ट्रा थी उसको हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही हम दूसरी साइड को ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। अंदर वाली जो हमारी पाइपिंग है पहले हम उसको पाइपिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पाइपिंग कर लेते हैं और ये हमारा अंदर का डिज़ाइन बन गया है। ये देखिए इस तरीके से। और जो फिर से हमारी ये 2 सेंटर वाली कॉर्ड है उनको भी हम ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन बंद हो गया है। इसी तरीके से हम बाहर वाली जो हमारी पाइपिंग है उसको भी कम्प्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारी कॉर्ड्स के साथ अच्छे से इसको पाइपिंग कर लेंगे। जो हमारी अंदर वाली पाइपिंग है उससे अटैच करते हुए ही हमको इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारी एक तरफ की पाइपिंग हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए दूसरी साइड की पाइपिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 1 कॉर्ड, ये दूसरी कॉर्ड से भी हम यहाँ पर इस तरीके से इसको पाइपिंग कर लेंगे। और ये अंदर की साइड वाली जो हमारी 3rd कॉर्ड है उसको भी हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। और फिर से हमारी ये बीच में जो कॉर्ड बची हैं इसको भी हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पाइपिंग कर लिया है। और अब देखिए हम फिर से एक और कॉर्ड लेंगे। ये देखिए स्काई ब्लू कलर की हमने यहाँ पर कॉर्ड ली है और जो हमारी बाहर की साइड वाली 1st कॉर्ड है ये देखिए उसके साथ हम इसको यहाँ पर ये इस तरीके से नोट लगाते हुए ज्वाइन करेंगे। ये देखिए अच्छे से हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल नोट लगाते हुए हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए तो हमारी यहाँ पर ये कॉर्ड एक यहाँ पर फिक्स हो गई है। और अब देखिए हम यहाँ पर एक और कॉर्ड लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारी 1st वाली कॉर्ड है उसके नीचे से हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। और फिर से ये देखिए इस तरीके से हम इसको दोनों साइड एक एक बार और रैप करेंगे तो यहाँ पर हमारी डबल पाइपिंग हो जाती है। और अब यहाँ पर देखिए जो हमारी सेंटर वाली कॉर्ड है उससे हम जो हमारी अंदर वाला जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसकी कॉर्ड्स के साथ हम यहाँ पर ये इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। जो कॉर्ड हमने अटैच करी थी बीच में सेंटर में उस कॉर्ड का जो हमारा एक पार्ट था उसको हम यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। और देखिए फिर से हम जो हमारी सेंटर वाली कॉर्ड है अंदर की साइड में उससे हम ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए बाकी की बची कॉर्ड्स के साथ हम यहाँ पर ये पाइपिंग करते हुए बाहर की साइड को लेकर जाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से ये देखिए हम दूसरी साइड को भी ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर पाइपिंग करते हुए लेकर आएंगे। और अब जो हमारी सेंटर वाली कॉर्ड है उसमें हम एक बीट्स को डाल देंगे, और फिर से जो हमारा अंदर वाली पाइपिंग है उस पर हम देखिए इस तरीके से पहले पाइपिंग करते हुए लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरीके से अंदर की साइड को पाइपिंग करते हुए लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी दो दो कॉर्ड से पाइपिंग होगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी दो कोर्ड से पाइपिंग हो गई है और एक तरफ की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी साइड से भी ये पाइपिंग करते हुए लेकर आएंगे। ये देखिए एक कोर्ड से हमने यहाँ पर पाइपिंग कर ली है। अब जो हमारा जिसमें हमने बीट्स डाला था सेंटर वाली कोर्ड है उससे हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब जो हमारी ये वाली कोर्ड है जो सेंटर वाली कोर्ड बची है उससे भी हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे जिससे कि हमारा ये डिज़ाइन बंद हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग कर ली है, और अब सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने ऊपर किया था उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर ये देखिए बाहर की साइड से भी पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो इसी तरीके से हम बाहर की साइड से ये देखिए दूसरी साइड से जो हमारी पाइपिंग बची है उधर से भी हम यहाँ पर ये पाइपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम इस पाइपिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। हर एक कोर्ड के साथ हमको यहाँ पर ये पाइपिंग को बना लेना है। ये देखिए तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड डिज़ाइन भी बन चुका है, और अब जो हमारी सेंटर वाली कोर्ड्स है इनको भी हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया है। और देखिए अब सेम इसी प्रोसेस के साथ हमको यहाँ पर दूसरी साइड भी इसी डिज़ाइन को बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये नोट लगा ली है, सिंपल नोट हमने यहाँ पर लगाई है। सारी कोर्ड्स को अच्छे से खींचकर हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको अच्छे से फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर देखिए फिर से हम एक और एक्स्ट्रा कोर्ड लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और जो हमारी फर्स्ट वाली कोर्ड है उसमें हम इनको अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इससे डबल पाइपिंग करेंगे, और कोर्ड को हमने यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड को खिसका दिया है। और अब देखिए जो हमारी अंदर की साइड की जो ऊपर वाला डिज़ाइन है उसकी जो बची हुई कोर्ड है उससे हम यहाँ पर देखिए पाइपिंग करेंगे जो सेंटर वाली कोर्ड है उसके साथ। और अब फिर से देखिए इस तरीके से हम कोर्ड्स को लेंगे, जो हमारी सेंटर वाली कोर्ड है उसको देखिए हम इस तरीके से लेंगे, और अंदर की साइड जो बाकी की कोर्ड है उनके साथ हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। ऐसा ही देखिए हमको दूसरी तरफ भी रिपीट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सेंटर वाली कोर्ड ली है और बाकी की बची कोर्ड्स के साथ हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सेंटर वाली कोर्ड में फिर से एक मोती डाल दिया है, और अंदर की साइड वाली पाइपिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से हम यहाँ पर अंदर की साइड वाली जो हमारी पाइपिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और अब देखिए बाहर की साइड की जो हमारी पाइपिंग है उसको भी हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे दोनों साइड के डिज़ाइन अब कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए हमने साइड वाली कोर्ड को ये देखिए साइड में कर दिया है, और बीच वाली कोर्ड को हमने एक जगह कर लिया है। और अब फिर से देखिए हमको यहाँ पर एक कोर्ड को अटैच करना है, तो सेम जैसे हमने ऊपर अटैच किया था उसी तरीके से हमको यहाँ पर इसको डिज़ाइन को बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पहले एक कोर्ड को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है, और फिर से देखिए हम एक और कोर्ड लेंगे, और उसमें ये देखिए जो हमारी फर्स्ट वाली कोर्ड है इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे और डबल पाइपिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी डबल पाइपिंग कर लेंगे, और ऊपर की साइड को हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और अब देखिए जो हमारी अंदर वाली कोर्ड है उसके साथ हम बाकी की कोर्ड के साथ ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जो कोर्ड हम इसमें शुरू में अटैच की है उसी कोर्ड के ऊपर जो हमारी वो सेंटर वाली कोर्ड है उसके ऊपर ही हमको यहाँ पर ये पाइपिंग करनी है। और अब देखिए फिर से हम यहाँ पर अंदर की साइड को पाइपिंग करेंगे, तो सेंटर वाली कोर्ड ले लेंगे फिर से। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये सेंटर वाली कोर्ड लेंगे, और इससे भी हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंदर की साइड वाली कोर्ड से हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेते हैं, और ऊपर वाली पाइपिंग के साथ ही हम यहाँ पर ये चिपका कर पाइपिंग करेंगे। तो ये देखिए अब दूसरी साइड की पाइपिंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने फिर से एक बीड्स को डाल दिया है और अंदर वाली पाइपिंग भी एक साइड से हमने कंप्लीट कर ली है। और ये देखिए बाहर वाली पाइपिंग को भी हम यहाँ पर ये इस तरीके से बनाते हुए लेकर आएंगे नीचे की साइड को। और अब देखिए दूसरी साइड से भी हम पाइपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम अंदर वाली पाइपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पहले अंदर वाली पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारी सेंटर वाली कोड है इनको भी हम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम बाहर की साइड की पाइपिंग को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हर एक कोड के साथ हम यहाँ पर ये पाइपिंग बनाते हुए लेकर आएंगे और बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी से ही। तो यहाँ पर हमारा ये डिजाइन भी अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और सेम इसी प्रोसेस के साथ हमको यहाँ पर डिजाइन बनाते हुए लेकर जाना है। तो यहाँ पर हमको 3 डिजाइन तक इसमें कोड्स को अटैच करना है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ हमने देखिए दूसरी तरफ भी डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। और अब देखिए जो हमारी बाहर की साइड वाली है जो हमारा 3rd नंबर का डिजाइन है उसकी कोड्स को हम इस तरीके से बाहर की साइड को कर देंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए सेंटर वाला जो हमारा पार्ट है उसका डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक सेंटर में जो हमारी कोड है इनको यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। सिंपल नोट हमको यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर हमने नोट लगा ली है। और ये देखिए जो हमारी सेंटर वाली कोर्ड है उन पर ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। तो इस बार देखिए हम अब बीच में जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें हमें पहले ऊपर की पाइपिंग बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये पाइपिंग बना लेंगे। और अब देखिए फिर से जो हमारी सेंटर वाली कोर्ड्स है ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये पाइपिंग बना लेंगे। और ऐसे ही पाइपिंग हमको यहाँ पर अब देखिए दूसरी साइड भी बना लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पाइपिंग बना ली है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम जो हमारे सेंटर वाले कोर्ड्स हैं उनको हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। और फिर से हम देखिए यहाँ पर ये पाइपिंग बनाएंगे अंदर की साइड की पाइपिंग। ये देखिए इस तरीके से बाकी की बची हुई कोर्ड्स के साथ हम यहाँ पर ये पाइपिंग को बना लेंगे। और ऐसा ही देखिए इस तरीके से हम दूसरी साइड को भी पाइपिंग बना लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिए फिर से हम सेंटर वाली कोड में एक बीड्स को डाल लेंगे और यहाँ पर देखिए पाइपिंग करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी अंदर की साइड वाली पाइपिंग है उस पर देखिए पहले हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेते हैं। और अब देखिए दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए अंदर की साइड वाली पाइपिंग पर पहले हम यहाँ पर ये पाइपिंग करेंगे। और अब बाहर की साइड वाली कोड से हम ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए सेम इसी प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर डिजाइन को कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ को ले जाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए हमारा ये 3rd नंबर का डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमको यहाँ पर देखिए कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लगानी है। अब हमको यहाँ पर कोड्स को कम करना है। तो ये देखिए जो हमारी बाहर की साइड के डिज़ाइन है उनकी कोड हमने यहाँ देखिए बाहर की साइड कर दी है और अंदर की कोड के साथ हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और अब फिर से देखिए जो हमारे नीचे वाले 2 डिजाइन बने हैं उनकी कोड्स को भी हमने ये देखिए इस तरीके से बाहर की साइड रखा है और जो अंदर की साइड कोड है उन पर हमको डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से सेंटर वाली कोड ली है और उनमें एक सिंपल नोट लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से सेम उसी प्रोसेस से हमको यहाँ पर डिजाइन बनाने हैं जैसे हमने ऊपर की साइड बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। जो हमारी सेंटर वाली कोड है उन पर हम ये देखिए बाकी की बची हुई कोड के साथ पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों साइड की ऊपर की पाइपिंग कम्प्लीट हो गई है। और अब फिर से देखिए हमको यहाँ पर अंदर की साइड की पाइपिंग बनानी है। तो उसके लिए देखिए अंदर की जो हमारी सेंटर वाली कोड है उन पर हम पाइपिंग बना लेते हैं। और अब फिर से देखिए हमने यहाँ पर एक सेंटर वाली कोड में मोती डाल दिया है और अंदर की साइड की पाइपिंग को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि हम ऊपर की साइड करते हुए लेकर आए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हम यहाँ पर ये पाइपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर ये हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा डिजाइन बना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए हमने जो हमारी जो फर्स्ट वाली कोड है ये देखिए बाहर के साइड में इन पर हमको यहाँ पर एक एक बार और पाइपिंग करनी है। इस तरीके से हम दोनों साइड से यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेंगे।
और जो ये हमारी बाहर की साइड को जो एक्स्ट्रा कॉर्ड बची हैं इनको हम कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से पीछे की साइड को हम इनको चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी कॉर्ड्स को कट करके पीछे की साइड को चिपका दिया है। और यहाँ पर देखिए हमारी सेंटर वाली दो कॉर्ड्स बची हैं, उनमें हम देखिए इस तरीके से रिंग को अटैच कर लेंगे। यहाँ हमने 5 इंच का रिंग लिया है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों कॉर्ड्स में एक एक, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मोती डाल दिया है। और दोनों कॉर्ड्स में हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक एक बेल डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक बेल डालेंगे और देखिए इसको लाइटर की हेल्प से हम यहाँ पर ये चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेल है वो इसके अंदर अटैच हो गई है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों कॉर्ड्स में बेल्स और बीट्स को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर हम रेड कलर की कॉर्ड लेंगे और ये कॉर्ड हमने 1.5 मीटर के लिए है। इसको देखिए हम इस तरीके से लाइटर से मेल्ट कर लेंगे और पीछे की साइड को हम यहाँ पर देखिए इसको चिपका देंगे। और अब देखिए हम इसको रिंग को कवर करेंगे कॉर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम कॉर्ड को रिंग के ऊपर से निकालेंगे और एक बार रिंग के नीचे से निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से हम एक बार रिंग के ऊपर से निकालेंगे कॉर्ड को और एक बार नीचे से निकालेंगे। देखिए एक बार फिर से ऊपर से निकालेंगे और एक बार नीचे से निकालेंगे। सेम इसी प्रोसेस के साथ हमको यहाँ पर ये रिंग को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार रिंग के ऊपर से निकाल लेंगे, एक बार रिंग के नीचे से निकालेंगे। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा फिल कर लेंगे। और देखिए सेम इसी प्रोसेस के साथ हमको ऊपर के रिंग को भी फिल कर लेना है जैसे कि हमने नीचे किया था। एक बार देखिए रिंग के ऊपर से निकालेंगे और एक बार रिंग के नीचे से निकालेंगे। इसी तरीके से हम दोनों रिंग को यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैक्रम का टॉवल हैंगर बनकर तैयार है। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ में जो चैनल पर पहली बार आए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।